ओम शांति। आज की तारीख है 7/4/2023, 7 अप्रैल 2023। आज के बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा से तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। मन से वाणी के द्वारा या किसी कर्म के द्वारा तुम किसी को कभी कोई दुख नहीं दे सकते। प्रश्न है आज की मुरली से, कल्प कल्प जिन बच्चों ने शिव बाबा से पूरा वर्षा लिया है उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर, बेपतितों का संग छोड़ बाबा से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। बाबा का जो पहला फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस फरमान पर पूरा पूरा चलेंगे। कभी ये प्रश्न नहीं उठेगा कि आखिर भी दुनिया कैसे चलेगी। उनकी आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं हो सकती। वे अपने को शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा बाबा के बच्चे, भाई बहन समझकर चलते हैं। ऐसे बच्चे अपने को शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा बाबा के बच्चे, भाई बहन समझकर चलते हैं। मैं आत्मा आपस में भाई भाई हूँ। गीत है आज की मुरली से, माता ओ माता। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, डबल अहिंसक बनकर मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है। पवित्रता की सच्ची राखी बांधनी है। हम सब बाबा के बच्चों के ब्राह्मणों के लिए पहली पहली श्रीमत क्या है? पवित्रता। तो जिन बच्चों को पवित्रता धारण की है वही बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, पतितों का संग छोड़ना है, एक शिव बाबा के फरमान पर ही चलना है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए भूतों पर, पांच विकार रूपी भूत, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन पांचों भूतों पर, इन पांचों विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। वरदान है आज की मुरली से, हर कर्म का बोझ शिव बाबा पर छोड़कर स्वयं को ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाबा सदा ही मदद करते हैं। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते हैं और बाबा हाजिर हो जाते हैं। सिर्फ बाबा के ऊपर अपना सारा कार्य छोड़ दो, फिर बाबा जाने कार्य जाने। शिव बाबा के ऊपर विश्वास करके अपना सारा कार्य छोड़ दो, फिर तो बाबा जाने और वो कार्य जाने। खुद अपने ऊपर जवाबदारियों का बोझ नहीं उठाओ, ट्रस्टी बन कर रहो कि बाबा ने मुझे इस परिवार को या फिर इस घर की जिम्मेदारी के लिए बना दिया है। मुझे बाबा ने जिम्मेदारी दी है और वो जिम्मेदारी मैंने अपने बाबा को दे दी, तो मेरा तो कुछ नहीं, मेरा तो सिर्फ़ एक शिव बाबा है। तो ट्रस्टी बन कर रहो, सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। दिल साफ है तो मुराद हासिल हो जाती है। स्लोगन है आज की मुरली से, उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अगर उमंग उत्साह के पंख साथ हैं तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ या फिर मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस समय हमको, हम जितना जितना संकल्प इस सम्मान में स्वयं को स्थित करेंगे कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, तो चारों ओर इस हमारे वाइब्रेशन से इस संसार का कण कण पवित्र बनता जाएगा। प्रकृति के पांचों तत्व तक हमारे इस संकल्पों के वाइब्रेशन निकलेंगे, जिससे स्वतः ही आपको इस संसार की आत्माओं की दुआएं मिलेंगी। एक मिनट के लिए परमात्मा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्वयं को स्थित करते हुए मैं आत्मा, तीनों कालों को जानने वाली त्रिकाल दर्शी आत्मा हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा, सर्व बंधनों से मुक्त स्वराज्य अधिकारी आत्मा। मेरे मीठे बाबा, मेरी जीवन रूपी डोर मैं तुम्हें सौंपती हूँ बाबा। तुम ही संग देखो, तुम ही संग बोलो,
तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, सारे संबंध सिर्फ तुमसे हैं मेरे बाबा। मैं आत्मा सिर्फ तुम्हारी हूँ मेरे बाबा।